हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीटेट के फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं, सीटेट के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप सीटेट के फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट के फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि सीटेट के फॉर्म को भरने के लिए कितना जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहली जो क्राइटेरिया है वह यह है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही में 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स। जी हाँ दोस्तों, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क होना चाहिए और साथ ही में 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, मतलब DLED आपका किया होना चाहिए, तब जो है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने DLED पास कर लिया है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर आपने अभी पास नहीं किया है, आप लास्ट ईयर में हैं, चौथे सेमेस्टर में हैं, तब भी जो है कि अपेयरिंग के तौर पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फिर दूसरे क्राइटेरिया की बात करें तो दूसरी जो क्राइटेरिया है वह यह है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही में BEd होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और साथ ही में BEd किया है तब भी जो है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप BEd पास हो चुके हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर अभी BEd पास नहीं हुए हैं, दूसरे साल में हैं, तब भी जो है कि आप इस फॉर्म को अपेयरिंग के तौर पर भर सकते हैं। और एक चीज़ आपको खास ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तीसरी क्राइटेरिया की बात करें तो तीसरी क्राइटेरिया है 10+2 होना चाहिए, साथ में BLED कोर्स किया होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 10+2 पास कर लिया, मतलब इंटरमीडिएट आप पास कर लिए हैं और साथ में आपने BLED कोर्स किया है, तब भी जो है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस आपका इंटरमीडिएट में 50% मार्क होना चाहिए। और फ्रेंड्स, चौथी इसमें क्राइटेरिया है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही में 1 ईयर का अगर आपने BEd कोर्स किया है तब भी जो है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत जगह क्या होता है कि बहुत से राज्यों में 1 ही साल का BEd कोर्स होता है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का BEd कोर्स किया है तब भी जो है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, पांचवी जो क्राइटेरिया है वह यह है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के साथ आपने मास्टर कोर्स किया है, मतलब आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद आपने BEd किया है, तब भी जो है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपने BEd किया है, तब भी जो है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह 5 क्राइटेरिया है, इसमें से अगर कोई भी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं, मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, साथ में DLED कोर्स किया है, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ में BEd किया है, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने 10+2 किया है, साथ में आपने BLED कोर्स किया है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या आपने ग्रेजुएशन किया और 1 ईयर का आपने BEd कोर्स किया है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या ग्रेजुएशन के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया है और उसके बाद आपने BEd किया है, तब भी जो है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह 5 क्राइटेरिया में कोई भी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट का यह क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमको बताइए कि जो है कि कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तो इसलिए हमने फ्रेंड्स यह वीडियो बनाया है। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक